हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जीओवी न्यूज़। तो वक्त हो गया है सुबह सुबह की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो खबरों को शुरू करने से पहले पेश है आपके लिए आज का सवाल। क्या आपको पता है भारतीय सिनेमा के जनक किसे कहा जाता है? तो इस सवाल का जवाब आप कमेंट पर लिख दीजिए और अपने पास के सबसे नज़दीक सबसे बड़े शहर का नाम और स्टेट का नाम कमेंट पर लिख दीजिए ताकि हम मॉर्निंग न्यूज़ के वीडियो में आपके शहर से जुड़ी हुई बड़ी खबरें दिखा सकें। तो देखते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरें। श्रीलंका जाने वालों को टूरिस्ट वीजा के लिए अब नहीं देना होगा चार्ज। भारत समेत 7 देशों को भी मिली ये खास सुविधा। बता दें कि दिवालिया घोषित हो चुका श्रीलंका खुद को फिर से खड़ा करने की कोशिश में लगा है, तो वहीं मौजूदा सरकार फिर से पर्यटन क्षेत्र को मजबूत बनाने में लगी है और इसी कड़ी में वहाँ की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है जिसके तहत अब भारत और 6 अन्य देशों के यात्रियों को टूरिस्ट वीजा फ्री में दिया जाएगा। श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि श्रीलंकाई कैबिनेट ने भारत और 6 अन्य देशों के यात्रियों को मुफ्त पर्यटक वीजा जारी करने की नीति को मंजूरी दी है। इस फैसले को 31 मार्च 2024 तक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि श्रीलंकाई कैबिनेट ने जिन देश के नागरिकों के लिए सुविधा दी है उनमें भारत, चीन, रूस, मलेशिया, जापान, इंडोनेशिया और थाईलैंड शामिल हैं। इन देशों के पर्यटक श्रीलंका के दौरे पर बिना किसी शुल्क के वीजा प्राप्त कर सकेंगे। भारत पारंपरिक रूप से श्रीलंका का टॉप इनबाउंड टूरिस्ट मार्केट है। बता दें कि श्रीलंका के सरकार के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो इस साल सितंबर में भारत से 30,000 से अधिक लोग वहां पर घूमने गए, यह तकरीबन 26% है। और इसी के साथ ही भारत इस मामले में टॉप पर है। चीनी पर्यटक 8,000 से अधिक आगमन के साथ दूसरे नंबर पर रहे हैं। बता दें कि 2019 में ईस्टर रविवार को हुए विस्फोट के हमले के बाद इस द्वीप पर पर्यटकों का आगमन कम हो गया था। उस विस्फोट में 11 भारतीयों समेत 270 लोगों की जान गई थी और 500 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। बता दें कि पिछले साल आर्थिक संकट के कारण श्रीलंका में भोजन, दवा, रसोई गैस और अन्य ईंधन, टॉयलेट पेपर और यहां तक कि माचिस जैसी आवश्यक वस्तुओं की भी भारी कमी हो गई थी, जिससे कि श्रीलंकाई लोगों को ईंधन और रसोई गैस खरीदने के लिए महीनों तक दुकानों के बाहर घंटों लाइनों में इंतजार करना पड़ा। रेलवे का अपने कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट, 11 लाख से अधिक कर्मियों का बढ़ाया महंगाई भत्ता। बता दें कि रेलवे बोर्ड ने अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता मूल वेतन के 42% से बढ़ाकर 46% अब कर दिया है। कर्मचारियों को बढ़ा हुआ ये महंगाई भत्ता एरियर के साथ जुलाई 2023 से मिलेगा। रेलवे कर्मचारी यूनियनों ने दिवाली से पहले इस घोषणा का स्वागत किया है। बता दें कि इससे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे के सभी गैर राजपत्रित कर्मचारियों को 78 दिनों के वेतन के बराबर उत्पादकता आधारित बोनस देने की भी मंजूरी दी थी। रेलवे ट्रैक मैनेजर, लोको पायलट, गार्ड, स्टेशन मास्टर, पर्यवेक्षक, टेक्नीशियन, हेल्पर, पॉइंट्समैन समेत रेलवे के विभिन्न विभाग व मंत्रालय के सभी गैर राजपत्रित 11,07,346 कर्मचारियों को बोनस का लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि रेलवे बोर्ड की यह घोषणा केंद्र सरकार द्वारा करीब 15,000 करोड़ रुपए के बोनस को मंजूरी देने के 5 दिन बाद आई। ऑल इंडिया रेलवे मैन्स फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि रेलवे कर्मचारियों को जुलाई से डीएम मिलना था, इसे पाना रेलवे कर्मचारियों का अधिकार था। मैं दिवाली से पहले इसके भुगतान की घोषणा करने के फैसले का स्वागत करता हूं। तो ही नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन के महासचिव एम राघवैया ने कहा है कि डीए का भुगतान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर किया जाता है, जिसका मुख्य कारण कर्मचारियों के ऊपर महंगाई को कम करना है। साल 2030 तक जापान को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है भारत, S&P ने जारी किए आंकड़े। बता दें कि S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस ने PMI के लेटेस्ट डेटा को जारी किया है, जिसके मुताबिक भारत 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। बता दें कि S&P ग्लोबल के मुताबिक 2030 तक 7.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के GDP के साथ भारत जापान को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की इसकी उम्मीद है।
S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के डेटा के मुताबिक भारत की साल 2021 और 2022 से जारी तेज आर्थिक वृद्धि के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था कैलेंडर वर्ष 2023 में भी निरंतर मजबूती दिखा रही है। S&P के आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2024 में समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में भारत का सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP 6.2 से 6.3% बढ़ने की उम्मीद है, जो इस वित्तीय वर्ष में सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था होगी। अप्रैल जून तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था 7.8% थी। बता दें कि पिछले 10 साल में भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI में तेजी आई है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अनुकूल लॉन्ग टर्म ग्रोथ को ये दर्शाती है। बता दें कि वर्तमान में अमेरिका 25.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर GDP के साथ दुनिया की सबसे बड़ी और वर्ल्ड GDP का 1/4 हिस्सा वाला देश है। दूसरे स्थान पर चीन है, जिसकी GDP 18 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। चीन वर्ल्ड GDP का लगभग 17.9% हिस्सा रखता है। वहीं 4.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ जापान इस वक्त तीसरे नंबर पर है। इसके बाद 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ जर्मनी चौथे नंबर पर है। बता दें कि S&P के आंकड़ों के मुताबिक साल 2030 तक 1.1 बिलियन भारतीयों के पास इंटरनेट होगा, जो साल 2020 के 500 मिलियन यूजर्स का दोगुना होगा। दिल्ली में दूर होगी सांस की तकलीफ, AQI में सुधार, गोपाल राय ने दी जानकारी। बता दें कि दिल्ली में जहरीली होती हवा को लेकर राजधानी के लोग चिंतित हैं और इन सब के बीच दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने एक राहत भरी खबर दी है। उन्होंने बताया कि रविवार को दिल्ली में AQI का स्तर 300 के पार हो गया था, लेकिन सोमवार को इसमें गिरावट दर्ज की गई और जैसे जैसे मौसम में परिवर्तन हो रहा है, ठंड के बढ़ने के साथ ही प्रदूषण में बढ़ोतरी हो रही है। और गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में पटाखों का प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन प्रशासन से ज्यादा दिल्ली के लोगों को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि 91 ऐसे स्थान हैं जहां पर ट्रैफिक जाम की समस्या होती है, ऐसी जगहों पर पुलिस बल की संख्या बढ़ाई गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 15 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान पर भी काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में रविवार को वायु गुणवत्ता श्रेणी बेहद ही खराब श्रेणी में पहुंच गई थी और उस दौरान वहां पर AQI का लेवल 300 के पार चला गया था और इसी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने राजधानी की सड़कों पर एंटी स्मॉग गन के जरिए पानी के छिड़काव की व्यवस्था शुरू कर दी। वहीं गाड़ियों के लिए नए नियम भी बनाए जा रहे हैं, जिससे देश की राजधानी में हवा की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके। घरेलू एयरलाइंस सर्दियों में 8% ज्यादा उड़ानें करेंगी संचालित, DGCA ने शीतकालीन कार्यक्रम को दी मंजूरी। बता दें कि भारतीय विमानन कंपनियां उड़ानों की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए आने वाली सर्दियों में प्रति सप्ताह 23,732 उड़ानें संचालित करेंगी, जो पिछले साल से 8% अधिक है। विमानन क्षेत्र के नियामक DGCA ने विमानन कंपनियों के लिए उड़ानों के शीतकालीन कार्यक्रम को मंजूरी दी है। शीतकालीन सत्र 29 अक्टूबर से अगले साल 30 मार्च तक चलेगा। हालांकि इस उड़ान कार्यक्रम में दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही गो फर्स्ट शामिल नहीं की गई है, उसकी उड़ानें 3 मई से ही बंद हैं। नागर विमानन महानिदेशालय यानी DGCA ने कहा है कि शीतकालीन सत्र 2023 के दौरान 118 एयरपोर्ट से प्रति सप्ताह 23,732 उड़ानें भरी जाएंगी। आपको मालूम हो कि पिछले साल शीतकालीन सत्र में 106 एयरपोर्टों से प्रति सप्ताह 21,941 उड़ानों का संचालन हुआ था। इस तरीके से साप्ताहिक उड़ान संख्या के मामले में इस साल 8.16% की वृद्धि हुई है। ग्रीष्मकालीन सत्र 2023 में देश के 110 हवाई अड्डों से 22,907 साप्ताहिक उड़ानें संचालित हो रही थी। बता दें कि शीतकालीन उड़ान सत्र में सबसे ज्यादा 13,119 उड़ानें इंडिगो संचालित करेगी, जो सालाना आधार पर 30.08% अधिक है। व्लादिमीर पुतिन को आया हार्ट अटैक, खुफिया अधिकारियों के हवाले से सामने आई है खबर। बता दें कि दुनिया के ताकतवर देशों में गिने जाने वाले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को कथित तौर पर दिल का दौरा पड़ा है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि पुतिन को रविवार को रात को करीब 9:05 पर अपने बेडरूम के फर्श पर खाने पीने की चीजों के पास वो गिरा हुआ उनको पाया गया और ये बताया जा रहा है कि उनको दिल का दौरा पड़ा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुरक्षा कर्मियों ने राष्ट्रपति के फर्श से टकराने की आवाज
आवाज सुनी थी, जिसके बाद वो दौड़कर कमरे में पहुंचे। गौरतलब है कि बीते कई महीनों से पुतिन के स्वास्थ्य को लेकर लगातार अटकलें आ रही थी और इस बीच अब ये खबर भी सामने आ गई है। इस खबर को टेलीग्राम ग्रुप जनरल SVR ने साझा किया है। इस संगठन का दावा है कि यह रूस में रिटायर खुफिया अधिकारियों और क्रेमलिन के अधिकारियों से जानकारी निकालते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की खबर को ब्रिटेनी न्यूज आउटलेट्स द मिरर, GB न्यूज और द एक्सप्रेस ने इसको छापा है। IAS बनाने का हवा हवाई दावा करने वाले 20 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को नोटिस, 4 संस्थानों पर लगाया 1-1 लाख रुपए का जुर्माना। केंद्र सरकार ने हवा हवाई दावा करने वाले 20 बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को नोटिस भेजा है, जो छात्रों को भारतीय प्रशासनिक पदाधिकारी यानी IAS बनाने के लिए ऐसे दावे करते हैं जो कि सच से परे होते हैं। उनके झांसे में आकर हर वर्ष संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC की परीक्षा की तैयारी करने वाले बड़ी संख्या में छात्र आकर्षित होकर मोटी रकम लुटा देते हैं, लेकिन सफलता के नाम पर अधिकतर को निराशा ही हाथ लगती है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी CCPA ने IAS की तैयारी कराने वाले बड़े बड़े दावे करने वाले 4 कोचिंग संस्थानों को दंडित भी किया है और उन्हें 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। CCPA आयुक्त एवं उपभोक्ता मामले विभाग की विशेष सचिव निधि खरे ने बताया कि कोचिंग संस्थानों के हवा हवाई दावे की सच्चाई का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वर्ष 2022 में UPSC के अंतिम परिणाम में कुल 933 अभ्यर्थियों का चयन किया गया था, लेकिन सिर्फ 10 कोचिंग संस्थानों के विज्ञापनों में ही 3,500 से अधिक छात्रों को सफलता दिलवाने का दावा किया गया, जो वास्तविक संख्या से लगभग 3.5 गुना से भी अधिक है। आखिर यह कैसे संभव हो गया? निधि खरे ने स्पष्ट किया है कि कोचिंग संस्थानों के विज्ञापनों में सच्चाई बताने के लिए CCPA द्वारा निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं। निधि खरे के मुताबिक UPSC परीक्षा में प्रत्येक वर्ष लगभग 10 लाख छात्र शामिल होते हैं। मुख्य परीक्षा के लिए इसमें से 10,000 को चुना जाता है और इसके बाद करीब 3,000 अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो इंटरव्यू के लिए चुने जाते हैं। कई संस्थान इन्हीं अभ्यर्थियों को मुफ्त में मॉक टेस्ट यानी इंटरव्यू के लिए आमंत्रित करते हैं। चूंकि इंटरव्यू में शामिल 1/3 अभ्यर्थियों का अंतिम दौर का चयन हो जाता है, जिन्हें कोचिंग संस्थान अपना बताकर बड़े बड़े विज्ञापन लगाकर ये दावा करते हैं और इसकी वजह से अगली परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी इनके झांसे में आ जाते हैं। निधि खरे ने बताया कि जांच में पता चला है कि एक ही सफल अभ्यर्थी पर 5-5 संस्थानों ने अपने विज्ञापनों में दावा किया। किसी ने यह नहीं बताया कि उक्त अभ्यर्थी उनके संस्थान में सिर्फ एक मॉक इंटरव्यू में शामिल हुआ था। अब ऐसे संस्थानों को बताना पड़ेगा कि उन्होंने सफल अभ्यर्थियों से कितने पैसे लेकर क्या क्या उनको प्रशिक्षण दिया था। अगर सिर्फ मॉक इंटरव्यू में शामिल किया गया तो विज्ञापन में यह भी स्पष्ट करना होगा। बता दें कि प्राधिकरण के मुताबिक दावों के फर्जी प्रमाणित हो जाने पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके बाद भी अगर उल्लंघन का मामला सामने आया तो 50 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है। मोहन भागवत ने कहा, मणिपुर में हिंसा के पीछे आखिर कौन लोग हैं? RSS प्रमुख मोहन भागवत ने विजयादशमी के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि देश की तरक्की कुछ लोगों से बर्दाश्त नहीं हो पा रही है और देश में रहकर ही देश का वो विरोध कर रहे हैं। मणिपुर में जारी हिंसा पर उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि मणिपुर में स्थिति अब शांत हो रही है, वहाँ अचानक लड़ाई कैसे हुई? इससे किसे फायदा हुआ है? बाहरी शक्तियों को इसको फायदा होगा। कौन था इसके पीछे? सरकार मजबूत है, प्रतिबद्ध है। जब हम यह देखते हैं तो समझते हैं कि ये नहीं हो रहा है बल्कि ये हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमें तो इसके लिए बहुत मेहनत करनी होगी। ये सिर्फ शांति का सवाल नहीं है बल्कि समाज को जोड़ने का भी सवाल है। सबको वहाँ काम करना होगा। विजयादशमी के मौके पर नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्यों ने पथ संचालन का आयोजन किया और इसी मौके पर RSS प्रमुख मोहन भागवत ने अपनी बातें रखी हैं। गायक शंकर महादेवन RSS विजयादशमी उत्सव में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी महाराष्ट्र के नागपुर में RSS के विजयादशमी उत्सव कार्यक्रम में पहुंचे थे। नवाज शरीफ को मिली बड़ी राहत, तोशाखाना केस समेत 2 मामलों में मिली जमानत। बता दें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अध्यक्ष नवाज शरीफ को अल अजीजिया मामले में मिली सजा को अंतरिम पंजाब कैबिनेट ने निलंबित कर दिया है। इस बात की जानकारी स्थानीय समाचार एजेंसी जियो न्यूज की ओर से दी गई है। 4 साल के आत्मनिर्वासन के बाद लंदन से लौटने के बाद पहली बार पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ अपने खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों के सिलसिले में एक स्थानीय अदालत में पेश हुए। 3 बार प्रधानमंत्री और पाकिस्तान
मुस्लिम लीग नवाज के सुप्रीमो 73 वर्षीय शरीफ के अदालती मामले फिर से शुरू होने वाले हैं, जो कि उनकी उपस्थिति के कारण रुक गए थे। शरीफ इस्लामाबाद स्थित न्यायाधीश मोहम्मद बशीर की जवाबदेही अदालत में उपस्थित हुए। उन्होंने 4 साल बाद पाकिस्तान लौटने की सुविधा के लिए तोशाखाना मामले में उनकी गिरफ्तारी के आदेश को निलंबित कर दिया था। बता दें कि नवाज शरीफ की उपस्थिति यह दिखाने के लिए महत्वपूर्ण थी कि उसने अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। भारतीय पैरा एथलीटों ने धमाकेदार प्रदर्शन से की एशियन पैरा गेम्स 2023 की शुरुआत, 17 मेडल पर किया कब्जा। बता दें कि भारतीय पैरा एथलीटों ने हांगझोउ पैरा एशियाई गेम्स के पहले ही दिन शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 17 मेडल जीते। इन कुल 17 मेडल में 6 गोल्ड मेडल, 6 सिल्वर मेडल और 5 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। शुरुआती दिन में 17 मेडल जीतकर भारत मेडल टैली में 4th नंबर पर रहा। इससे पहले दिन भारत ने उम्मीद के अनुसार ट्रैक एवं फील्ड इवेंट में 5 गोल्ड समेत सर्वाधिक 11 मेडल अपने नाम किए थे। भारत की तरफ से 6 गोल्ड मेडल जीतने वाले एथलीटों में प्रवण सूरमा, अवनी लेखरा, शैलेश कुमार, निषाद कुमार, अंकुर धामा और प्रवीण कुमार का नाम शामिल है। मेडल टैली में फिलहाल चीन, इराक और उज्बेकिस्तान भारत से आगे चल रहे हैं। एशियन गेम्स में 107 मेडल जीतने वाली भारतीय एथलीटों की टोली के बाद अब पैरा एशियाई गेम्स में मेडल टैली के रिकॉर्ड के टूटने पर सबकी नजरें टिकी हुई है। स्टार निशानेबाज अवनी लेखारा की अगुवाई में भारत ने जिस तरह से पहले ही दिन जबरदस्त प्रदर्शन किया है, उसे देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि पैरा एशियाई गेम्स 2023 में भाग लेने वाले एथलीट इस बार 72 से ज्यादा मेडल जीतकर पैरा एशियाई गेम्स में अब तक की भारतीय मेडल टैली को पीछे छोड़ देंगे। बता दें कि साल 2010 के पहले संस्करण में भारत ने कुल 14 मेडल जीते थे। इसके बाद 4 साल बाद यानी 2014 में यह संख्या कुल 33 तक पहुंच गई थी। यह वहीं पिछली बार मेडल टैली में जबरदस्त इजाफा देखने को मिला था और भारत ने साल 2018 में कुल 72 मेडल जीते थे। ऐसे में जब इस बार भारत की तरफ से 303 एथलीट इन गेम्स में भाग ले रहे हैं, तो उम्मीदें हैं कि भारत पैरा एशियाई गेम्स में 100 मेडल की टैली को पार कर लेगा। गरबा खेलते वक्त हार्ट अटैक से जा रही है लोगों की जान, गुजरात सरकार है इससे चिंतित। बता दें कि गुजरात में गरबा खेलने से लगातार मरने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। पिछले कुछ दिनों में 22 लोगों की जान गई है, जिसमें 6 लोग गरबा खेलते हुए मौत के मुंह में समा गए हैं। इसको लेकर गुजरात प्रशासन अलर्ट पर है और हार्ट विशेषज्ञों से बातचीत कर रही है। सूत्रों की माने तो गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल सोमवार को यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर पहुंचे थे और हार्ट के विशेषज्ञों से बातचीत की थी। उन्होंने डॉक्टरों से इसके कारणों की तलाश करने को भी कहा था। बता दें कि इससे पहले गुजरात की पूर्व सीएम आनंदीबेन पटेल ने पाटन के एक समारोह में गरबा के दौरान हो रही मौत पर चिंता व्यक्त की थी और कहा था कि मौत का विश्लेषण किया जाना चाहिए और अब सरकार इस दिशा में काम करते हुए दिखाई दे रही है। इसराइल पहुंचे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, कहा जो हुआ उससे कभी नहीं भुलाया जा सकता। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने इसराइल के प्रति अपनी एकजुटता दिखाने के लिए यहां का दौरा किया। उन्होंने यहां पर हमास के हमले से प्रभावित फ्रांसीसी परिवारों और इसराइल के राष्ट्रपति इसकाक हरगोज से मुलाकात की है। इसराइली राष्ट्रपति ने मैक्रों को उनकी इस यात्रा के लिए धन्यवाद कहा है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन, जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री मार्क स्टे भी इसराइल का दौरा कर चुके हैं। जेरूसलम में अपने इसराइली समकक्ष हरगोज से मुलाकात के बाद राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा कि फ्रांस आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में इसराइल के साथ एकजुटता से खड़ा रहेगा। मैक्रों ने इसराइली धरती पर हमास द्वारा 7 अक्टूबर को किए गए आतंकवादी हमले पर कहा कि जो कुछ भी हुआ उसे कभी नहीं भुलाया जाएगा, मैं वहां पर अपनी एकजुटता व्यक्त करने के लिए आया हूं। मैक्रों ने कहा कि अब पहला उद्देश्य बिना किसी भेदभाव के सभी बंधकों की रिहाई सुनिश्चित कराना है। इसराइल के राष्ट्रपति इसकाक ने मैक्रों से मुलाकात कर कहा कि हम एक मजबूत राष्ट्र हैं और हम अपने दुश्मनों पर काबू पाने और उन्हें खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस दौरान उन्होंने बंधक बनाए गए अपने सभी नागरिकों को लेकर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि हमास के आतंकवादियों ने 30 बच्चों का अपहरण कर लिया। मुझे पता है कि आप यानी फ्रांसीसी राष्ट्रपति हमारे देश की कितनी परवाह करते हैं। आपकी यात्रा एकजुटता की स्पष्ट अभिव्यक्ति है।
समलैंगिक विवाह के फैसले पर बोले CJI DY चंद्रचूड़। कहा, समलैंगिक विवाह पर अंतर मन की आवाज से फैसला दिया था, मैं अब भी उस पर कायम हूँ। बता दें कि देश के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा कि समलैंगिक विवाह पर बीते दिनों दिया गया उनका फैसला अंतर मन की आवाज से दिया गया था और वह अब भी उस पर कायम है। जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी लॉ सेंटर, वॉशिंगटन DC और नई दिल्ली के सोसाइटी फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स द्वारा आयोजित तीसरी तुलनात्मक संवैधानिक कानून चर्चा में अपने संबोधन के दौरान मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने यह बातें कही हैं। CJI ने कहा कि अक्सर संवैधानिक महत्व के मुद्दों पर दिए गए फैसले अंतर मन की आवाज ही होते हैं और भले ही समलैंगिक विवाह के मुद्दे पर उनका फैसला अल्पमत में रहा हो, लेकिन वह अब भी उसी पर कायम है। बता दें कि बीते दिनों संविधान की 5 जजों की पीठ ने समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की थी, जिस पर CJI ने अपने फैसले में समलैंगिक जोड़े को बच्चे को गोद लेने का समर्थन किया था। हालांकि पीठ के 3 अन्य जजों ने इसका विरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा नहीं दिया और संसद पर इस मुद्दे पर कानून बनाने का फैसला छोड़ दिया था। बता दें कि समलैंगिक विवाह पर फैसला देते हुए संविधान पीठ के सभी न्यायाधीश इस बात पर सहमत हुए थे कि विवाह समानता लाने के लिए कानूनों में बदलाव विधायिका के कार्यक्षेत्र के दखल के बराबर होगा। हालांकि समान नागरिक अधिकार और गोद लेने के अधिकार के सवाल पर न्यायाधीशों में मतभेद थे। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायाधीश SK कौल समलैंगिक संबंधों को मान्यता देने के पक्ष में थे, लेकिन बाकी के 3 न्यायाधीशों ने इसका विरोध किया था। हरसिमरत कौर ने आरओ प्लांट का उठाया सवाल, पिछली कांग्रेस सरकार पर जमकर बरसी। बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने पंजाब की जनता के लिए बंद पड़े आरओ प्लांट को फिर से खोलने की मांग उठाई है। इसके साथ ही कहा कि पंजाबियनों को स्वच्छ पेयजल से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने स्वच्छ पेयजल के लिए पिछली कांग्रेस सरकार पर बड़ा आरोप भी लगाया। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि S प्रकाश सिंह बादल के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती अकाली सरकार ने उन क्षेत्रों की पहचान की थी जहां भूजल की गुणवत्ता उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं थी और रिवर्स ऑस्मोसिस संयंत्र यानी RO प्लांट स्थापित किए थे। पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान इन प्लांटों को बढ़ाने की बजाय कई बंद कर दिए गए थे। सांसद कौर ने आगे लिखा कि CM मान को लोगों के कल्याण के लिए काम करना चाहिए और जहां भी जरूरत हो वहां और अधिक स्थापित करने के अलावा बंद RO प्लांट को फिर से खोलना चाहिए। पंजाबियों को स्वच्छ पेयजल से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। अब एक क्लिक में देख सकेंगे अपने शहर के वायु प्रदूषण का स्तर, गूगल ला रहा है नया फीचर। देश में मौसम ठंडा होने के साथ ही प्रदूषण का प्रभाव भी बढ़ने लगा है। दिल्ली NCR क्षेत्र में वायु प्रदूषण पहले ही बढ़ना शुरू हो गया है, जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया है। बाहर जाने से पहले हवा की गुणवत्ता की जाँच करना महत्वपूर्ण है ताकि आप अपनी बाहरी गतिविधियों की योजना बना सके। इसके लिए गूगल एक नया फीचर ला रहा है, जिसकी मदद से आप गूगल डिस्कवर में अपने शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी EQI देख सकते हैं। 9to5 गूगल की एक रिपोर्ट के मुताबिक लोगों की मदद करने के लिए गूगल कथित तौर पर यूजर्स को वायु गुणवत्ता को ट्रैक करने में मदद करने की योजना बना रहा है, जो कि प्रदूषित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए एक बढ़िया फीचर होगा। प्लेटफॉर्म iOS और एंड्रॉयड दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम पर डिस्कवर टैब में AQI कार्ड को व्यापक रूप से रोल आउट कर रहा है। यूजर्स जल्द ही यह नया टैब गूगल ऐप में उनको दिखाई देगा, जो होम स्क्रीन के बाईं ओर मिलेगा। हालांकि यह सुविधा अभी तक टैबलेट या पिक्सल फोन्स पर उपलब्ध नहीं है। बता दें कि गूगल मोबाइल डिवाइस पर गूगल डिस्कवर फीड में एक मिनी कार्ड जोड़ेगा, जो लोकल एरिया के लिए वास्तविक समय में वायु गुणवत्ता अपडेट को दिखाएगा। कंपनी ने कस्टमाइज मेन्यू को भी नया रूप दिया है और मटेरियल यू स्विच को चेकबॉक्स में बदल दिया है। अब हम अगले 24 घंटों के दौरान देश भर के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान ओडिशा के उत्तरी तट, पश्चिम बंगाल और केरल में हल्की से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर भारी बारिश संभव है। मिजोरम और त्रिपुरा में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर तीव्र बारिश हो सकती है। मणिपुर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में हल्की बारिश होने की संभावना है। बिहार, झारखंड, आंतरिक ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और तटीय आंध्र प्रदेश में हल्की बारिश संभव है। पश्चिमी हिमालय पर छिटपुट हल्की बारिश संभव है। आज का सुविचार, बहुत गजब नजारा है इस अजीब सी दुनिया का। लोग बहुत कुछ बटोरने में लगे हैं खाली हाथ जाने के लिए। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जीओबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।